सब्सक्राइब एंड द सरअद सत्तार खान इस YouTube चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है 10th ब्रिज कोर्स 2022 का ब्रिज कोर्स है इंग्लिश प्री टेस्ट है चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स 25 25 नंबर नंबर के लिए है सवाल नंबर एक है क्वेश्चन नंबर वन फ्रेम डब्ल्यू क्वेश्चंस टू गेट द दंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर फाइव मार्क्स पाँच मार्क्स के लिए है अब यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस ये सवालत है इसके जवाब यानी इसके डब्ल्यू एच क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में देखेंगे पहला है माई बर्थडे इज़ इन द नेक्स्ट वीक मेरा जन्मदिन अगले हफ्ते है सेकेंड मिस्टर प्रसाद इज़ इन द हॉस्पिटल मिस्टर प्रसाद हॉस्पिटल में है थर्ड जोस बटलर वॉज डिक्लेयर्ड एज़ मैन ऑफ द मैच जोस बटलर मैन ऑफ द मैच करार दिए गए फोर्थ शी वॉज क्राइंग एज हर पेन वॉज लॉस्ट और रो रही थी चूंकि उसका पेन खो चुका था फिफ्थ द न्यूज़ पेपर इज़ ऑन द टेबल अखबार टेबल पर है। इसके आंसर्स है पहला है वैन इज़ योर बर्थडे सेकेंड वैर इज़ मिस्टर प्रसाद थर्ड हु वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच फोर्थ वाई वॉज शी क्राइंग फिफ्थ वट इज़ ऑन द टेबल क्वेश्चन नंबर टू का ए है कंप्लीट द इमेजिनरी डायलॉग ए डू यू लाइक योर फैमिली इसका आंसर है बी यस आई लाइक माई फैमिली यानी क्या आपको आपका ख़ानदान पसंद है हाँ मुझे मेरा ख़ानदान पसंद है सेकंड है हाउ डज़ योर फैमिली सपोर्ट्स यू आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है इसका आंसर है माय फैमिली सपोर्ट्स मी लॉट मेरा मेरा ख़ानदान मुझे बहुत सपोर्ट करता है मदद करता है दे ऑलवेज़ इनकरेज मी एंड मोटिवेट मी टू डू बेटर वो हमेशा मुझे इनक्रेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि मैं बेहतर कर दे ऑलवेज़ हेल्प मी वैन आई नीड देम वो हमेशा मेरी मदद करते हैं जब मुझे ज़रूरत हो दे आल्सो करेक्ट मी वेन आई एम गोइंग आई एम रॉन्ग एंड ऑलवेज़ रिमाइंड मी टू फॉलो द गुड एंड डू वेल वो हमेशा मुझे दुरुस्त करते हैं और जब भी मैं गलत हूँ वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मुझे अच्छा करना चाहिए क्वेश्चन नंबर टू का बी है रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चंस दिए गए मुकालमे को पढ़िए और सवालत के जवाब दीजिए थ्री मार्क्स तीन नंबर के लिए है फादर सो हम डोंट स्पीक लाई इट्स अ बैड हैबिट सो so, हम गलत बात मत करो ये बुरी आदत है सो so, हम यस पापा आई नेवर स्पीक लाई हाँ नहीं, या हाँ पापा मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा you know so so, फादर वी मस्ट फॉलो द गुड हैबिट्स इन आर लाइफ डू यू नो सम हम सोहम सोहम के फ़ादर कहते हैं कि हमें अच्छी आदतें इख्तियार करनी है ज़िंदगी में क्या तुम कुछ अच्छी आदतों को जानते हो सोहम so, कहता है यस हाँ गो टू स्कूल इन टाइम स्कूल पर स्कूल वक्त पर जाना चाहिए हेल्पिंग द नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए स्पीकिंग ट्रथ सच बोलना चाहिए टेकिंग बाथ एवरीडे और रोज़ाना गसल करना चाहिए नहाना चाहिए आर सम गुड हैबिट्स उसके कुछ सवाल हैं इसमें से पहला सवाल है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर दे इन द कन्वर्जेसन दिए गए मुकालमे में कितने किरदार हैं इसका आंसर है दैर आर टू कैरेक्टर्स इन द कन्वर्जेसन सो हम एंड हिज़ फादर क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट वो किस बारे में बात कर रहे हैं इसका आंसर है दे आर टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स वो आ, अच्छी आदतों के बारे में बात कर रही हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है मेंशन सम गुड एंड बैड हैबिट्स विच आर नॉट मेंशन इन द डायलॉग डायलॉग में दिए गए जो कुछ अच्छी और बुरे आदतें जिसे नहीं बयान किया गया है उसे लिखिए इसका आंसर है पहले बैड हैबिट्स देखते हैं टीजिंग यानी सताना एंड ट्रेवलिंग अदर्स और दूसरों को परेशान करना नेमिंग अदर्स दूसरों को नाम रखना टॉकिंग अबाउट सम ऑन हिज़ बैक किसी के पीछे उसकी ईबत करना गुड हैबिट्स हैं ईटिंग ऑन टाइम अच्छे सही वक्त पर खाना खाना एक्सरसाइजिंग डेली रोज रोजाना कसरत करना गोइंग टू बेड अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली सोने के लिए जल्दी जाना और सुबह जल्दी उठना क्वेश्चन नंबर थ्री है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर्स दिए गए पैसेज को पढ़िए और जवाब हासिल कीजिए पाँच मार्क्स आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज इन नॉर्दर्न कर्नाटक मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ शुमाली कर्नाटक के एक गाँव में थिंग्स वेर वेरी सिंपल चीज़ें बहुत सा, आ, आसान थी सादा थी इन दोज डेज उन दिनों इफ़ यू डिडेंट लाइक अ पर्सन अगर आप किसी शख्स को पसंद नहीं करते यू कुड जस्ट टेल हिम टू हिस्स फेस भाई यू आर वेर अपसेट विद हिम आप उसके मुंह पर ही कह देते क्योंकि आप क्यों नाला लाएँ नाराज़ हैं इफ़ समबडी हेल्पड यू यू कुड शो your gratitude विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर कोई आपकी मदद करे तो आप उसके एहसान को बगैर रुकावट के बयान करते इफ़ समबडी डिड रॉन्ग अगर किसी ने गलत किया वी asked फॉर जस्टिस हम इंसाफ के लिए गुहार लगाते There was no हाइड एंड सीक when इट केम टू फीलिंग्स कोई छुपा छुपी नहीं होगी कोई बात छुपानी नहीं है जब आप किसी किस्म की एहसास की बात करेंगे मे बी इट वॉज नॉट सिविलाइज्ड और पॉलिश बिहेवियर बट इट इज़ इट वॉज डेफिनेटली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोसाइटी एंड अ सिंपल लाइफ ये किसी अच्छे बर्ताव की बात नहीं है लेकिन ये सीधे सीधे साफ लोगों की एक समाज की बुनियाद है ज़िंदगी है इसका ए है मैच द अपोजिट वर्ड्स टू मार्क्स विलेज जस्टिस अपसेट सिंपल इनजस्टिस हैप्पी डिफिकल्ट सिटी इसके आंसर्स है विलेज सिटी जस्टिस इनजस्टिस अपसेट हैप्पी सिंपल डिफिकल्ट बी है फाइंड आउट एट लीस्ट फोर नाउन्स फ्रॉम द पैसेज पैसेज में दिए गए चार नाउन लिखिए पहला है विलेज उसके बाद है कर्नाटका पर्सन सोसाइटी एक मार्क्स के लिए है अब इसमें और भी वर्ब हो और भी नाउन हो सकते हैं हमने चार ही लिखे हैं क्वेश्चन नंबर इसका सी है कम्प्लीट दर्ड वर्ड चेन ऑफ वर्ब यानी वर्ब की वर्ड चेन मुकम्मल करना है टू मार्क्स के लिए है लाइक एल आई के ई ईट ई ए टी ईट टेल टी ई एल डबल एल टेल लुक एल ओ ओ के लुक के l एल एल किल एल आई वी ई क्वेश्चन नंबर फोर है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डाउन दैरियस इमोशंस इन योर सेंटें फाइव मार्क्स दिए गए अलग अलग इमोशंस को आप इस तस्वीर में दिए गए इन इमोशंस को आपको लिखना है पाँच नंबर के लिए इसका आंसर है द स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड एंजॉइंग देयर क्लासेस दे आर एनकरेजिंग समवन एंड दे आर दे ऑल्सो सीम एक्साइटेड यानी जितने तलबा हैं वो बहुत खुश हैं और वो उनकी क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं और वो किसी को इनक्रेज कर रहे हैं हिम्मत दिला रहे हैं और वो अभी बहुत ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज एंड आर इन्वायरमेंट यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट फाइव मार्क्स यानी आपको अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें दरख्तों की अहमियत को बयान करना है उसके साथ साथ माहौल के तहफ़ को भी बयान करना है दिए गए नुक़ात का इस्तेमाल करें फाइव मार्क्स पाँच नंबर के लिए ट्रीज़ बेस्ट फ्रेंड प्रोवाइड ऑक्सीजन वन ट्री फॉर अ फैमिली डीफॉरस्ट्रेशन ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा चलिए शुरुआत करते हैं लेटर की प्लॉट नंबर फोर लेन नंबर वन आरिफ कॉलोनी औरंगाबाद फोर थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो वन महाराष्ट्र ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर डियर साहिल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई आल्सो फाइन अजीज़ साहिल मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ यस्टरडे गुज्तर रोज़ वन आई वॉज कमिंग बैक फ्राम स्कूल मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था आई सॉ कटिंग अ बिग ट्री कि मैंने देखा कि कुछ लोग एक बड़े दरख्त को काट रहे हैं आई रियली फेल्ट सॉरी मुझे बहुत बुरा लगा एंड सैड और मैं उदास भी हो गया सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई सैडनेस इसीलिए मैं ये ख़त लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने अपने दुख का इजहार कर सकूँ ट्रीज़ आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ़ आवर इन्वायरमेंट दरख्त हमारे माहौल का एक अहम हिस्सा है दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड नॉट जस्ट ऑक्सीजन बट वुड्स लीव्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू अस वो हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि लकड़ी पत्ते फल और तरकारी भी देते हैं दे आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स वो उनके उनमें कई वो घर है कई सारे जानवरों और परिंदों का

हम अक्सर सोचा करते हैं डीफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी दर्ज हरारत के बढ़ने को बट वी डोंट डू मच अबाउट इट लेकिन हम इस बारे में ज़्यादा काम नहीं करते सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टॉप डिफॉरस्टेशन अगर हम हकीकत में दरख्तों की कटाई को रोकना चाहते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुए ज़मीन के दर्ज हरारत को कम रखना करना चाहते हैं वी मस्ट प्लान ट्रीज़ हमें दरख्त उगाने चाहिए आई होप वन डे एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इट एंड आवर कलेक्टिव एफर्ट्स विल सेव आवर अर्थ आवर होम थैंक यू मुझे उम्मीद है कि एक दिन हर कोई इस बात को समझेगा और हम हम सब के मंजुमला काम हमारे दुनिया को हमारे घरों को हिफ, घरों को महफूज करेंगे बचाएंगे। थैंक यू शुक्रिया उम्मीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा हाफिज़